तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में, और आज हम करने वाले हैं नेरुटो के एपिसोड 176 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लेडीज उनाटे हैं, शिजुने को पूछती है कि क्या लोग वो लोग खजाना लेके आ जाएंगे, और यहाँ पर वो लोग आदमी लोग रहते हैं। तो उसमें से जो हिनाता रहती है वो अपना जो टॉर्च चालू करती है और वो बोलते हैं कि देख लो गुफा के अंदर कितने सारे पेपर बम है, अगर तुम लोग ने हिलने की कोशिश करी तो वो सारे पेपर बम फूट जाएंगे और तुम्हारे ऊपर गिर के मर जाएंगे। और वो लोग रहते हैं जो आदमी नकली लोग रहते हैं वो विलेज के लिए निकल जाते हैं। तो तभी यहाँ पर कीवा बोलते हैं हमें कुछ करना होगा, हमें निकलना होगा कैसे भी। तो यहाँ पर नरुडो बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम कैसे फंस गए हो। तो यहाँ पर वो लोग लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या क्या हुआ, नरुटो बोलता है कि तुम्हारे अकामारू ने खुशबू नहीं सूंघा। तो वो बोलता है अकामारू ने स्मेल नहीं कर पाया। तो हिनाता बोलती है तुम लोग लड़ो मत, अगर तुम लोग मेरा हाथ खोल पाओगे तो मैं 8 टाइग्राम्स 360 रोटेशन से तुम लोगों को बचा सकती हूँ, तो जल्दी मेरा हाथ खोलने की कोशिश करो। तो तभी यहाँ पर नरुटो गिर जाता है और वो हिनाता की हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, और तभी यहाँ पर कीबा भी खोलने की कोशिश करता है। तो हिनाता देखती है कि वो दोनों बहुत अपनी कोशिश लगाते हैं और रस्सी खोलने की करते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर कीबा अकामारू भी खोलने की कोशिश करता है। तो हिनाता बोलती है कि मुझे ये करना ही होगा, ये लोग मेरे पे भरोसा रख रहे हैं। और यहाँ पर जो पेपर बम रहता है वो जल के फटना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर हिनाता को वो लोग खोल देते हैं। और हिनाता बोलती है अब मेरी बारी, 8 टाइग्राम 64 प्रोटेक्शन जुत्सु। और यहाँ पर वो लोग 8 टाइग्राम 64 पाम इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से वो जितने भी पत्थर गिर रहे होते हैं उसको वो मार मार के उड़ा देती है। और यहाँ पर वे लोग देखते हैं कि गुफा पूरी तरीके से गिर जाती है, और ये लोग बोलते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए विलेज की तरफ, और यहाँ पर वो विलेज की तरफ चले जाते हैं। तो तभी यहाँ पर जो हिनाता रहती है वो बेहोश होने वाली रहती है, और तभी नरुटो उसको बचा लेते हैं अपने कंधे की मदद से। तो हिनाता यहाँ पर लाल हो जाती है और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। तो कीबा बोलता है कि चलो हमें पहले बाहर निकलना होगा, उसके बाद तुम बेहोश होना। और यहाँ पर वो कान लगा के सुनता है कि वो लोग चले गए हैं, और वो बोलते हैं कि चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, और वो अकामारू को बोलते हैं कि फेंक ओवर फेंक करना होगा। तभी यहाँ पर हिनाता अपनी बियाकुगन से देखती है कि वो डब्बा खाली है। तो तभी यहाँ पर कीबा बोलते हैं अच्छा है नरुटो, वो डब्बे को तुम अपने आंग पर पहन लो, हमें उसके बाहर लेके जाना होगा। तो तभी यहाँ पर जो कीबा और अकामारू रहते हैं वो अपने फेंक ओवर फेंक की मदद से जो दीवार रहती है उसके अंदर ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर कीबा और अकामारू बोलते हैं हे हम बाहर आ गए, चलो बाहर आ जाओ। और यहाँ पर नरुटो और अकामारू बाहर, मतलब ये नरुटो और हिनाता बाहर आ रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर वो जो पत्थर रहते हैं वो पूरी तरीके से गिर जाता है। तो कीबा को लगता है वो लोग फंस गए हैं, पर नरुटो यहाँ पर हिनाता को लेकर बाहर आ जाता है, और वो लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पर जाना होगा, हिनाता तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं और नरुटो यहाँ पर चले जाएंगे। तो वो हिनाता बोलते हैं ये लोग मेरी कितनी फिक्र करते हैं। तो नरुटो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा कीबा, हिनाता तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम्हारी जब चोट ठीक होगी तो तुम आ जाना, तब तक हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो तभी यहाँ पर कीबा बोलते हैं कि हे तुम वो जो खजाने का बैग है उसे अपने कंधे पे पहन लो, उससे हमें पता चल जाएगा कि असली नरुटो कौन है, और इससे पता चलेगा। और वो अकामारू को बोलते हैं कि तुम मेरे अंदर चिपके रहो। और यहाँ पर जो हिनाता रहती है वो लाल हो जाती है कि ये लोग साथ में मिशन कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नकली नरुटो और बाकी सब रहते हैं वो लोग विलेज में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर वो आदमी लोग देखते हैं कि वो लोग विलेज के अंदर घुस गए हैं, और उन्हें भी अजीब लगता तो है कुछ, पर वो लोग जाने देते हैं। तो यहाँ पर तभी अचानक से असली नरुटो और कीबा आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि क्या हमारे लोग हम लोग वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं हाँ तुम लोग वापस एक और एक बार आ रहे हो। तो वो बोलते हैं कि वो सब जितने भी आ गए हैं वो सभी नकली लोग हैं। तो वो बोलते हैं क्या वो सभी नकली है, हमें लेडीज उनाटे को बताना होगा। तो यहाँ पर वो लोग लेडीज उनाटे के पास पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर कीबा बोलते हैं हे अकामारू तुमने उनकी खुशबू सूंघी है ना, तुम उनका पीछा करो। तो शिजुने बोलती है लेडीज उनाटे मुसीबत आ गई है, और यहाँ पर जो नकली अकामारू कीबा और बाकी सब रहते हैं वो लोग जा रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पर जो अकामारू रहते हैं वो उनकी खुशबू को सूंघते हुए जाता है। तो हिनाता बोलती है देखो कौन आया है। तो वो जो ट्रेजर हंटर रहते हैं वो बोलते हैं चाहे वो कितना भी पता लगाए कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो नरुटो बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं देख लो। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि देख लेंगे, नरुटो बोलते हैं। नकली नरुटो यहाँ पर उन असली नरुटो के ऊपर स्मोक बम फेंक देता है, और यहाँ पर जो नरुटो रहते हैं नकली वाला असली वाला वो नकली हिनाता का हाथ पकड़ लेता है, और वो बोलते हैं क्या हिनाता का हाथ पकड़ लिया। तो वो बोलते हैं कि याद आया हिनाता तो आराम कर रही है, ये तो नकली हिनाता है, और वो उसे मारने वाला रहता है। तभी यहाँ पर जो
हिनाता रहती है वो उसको पंच मार देती है। तो यहाँ पर जो नकली की बारेत है वो बोलता है कि हे तुम क्या कर रहे हो नरुटो, तो नरुटो बोलता है हे मैं नरुटो हूँ असली वाला। तो तभी यहाँ पर जो असली की बारेत है वो भागते हुए आता है और वो नरुटो को बोलता है वो नकली की बात था, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। और तभी वो अपना फेंग ओवर फेंग जुत्सू करने वाला था। तो तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि जो नकली की बारेत है वो एक पंच में ही ढेर हो जाता है। वो बोलते हैं कि ये क्या, मैंने तो फेंग ओवर फेंग भी नहीं किया, वो एक पंच में ही ढेर हो गया। तो नरुटो बोलते हैं हाँ जो हिनाता ने पंच मारी थी उसमें भी मेरे को जरा भी दर्द ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कीबा बोलते हैं ये लोग कितना भी पंच मारे ये लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो यहाँ पर जो नकली नरुटो रहते हैं वो नकली हिनाता को बचा रहा होता है और वो लोग भाग जाते हैं। तो यहाँ पर कीबा भागता है हिनाता की तरफ और नरुटो भागता है नरुटो की तरफ। तो यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो बुक लेकर जा रही होती है और यहाँ पर नकली नरुटो भागते हुए जाता है और वो सोकरा से टकरा जाता है। तो सोकरा की जितनी भी बुक रहती है वो गिर जाती है और यहाँ पर नकली नरुटो सोकरा के ऊपर हंसता है। वो बोलता है कि हे तुम तो कितनी कमज़ोर हो, तुम तो गिर गई बुक लेके और वो सोकरा को चिढ़ा रहा होता है। तो सोकरा बोलती है नरुटो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर असली नरुटो भागते हुए आता है और तभी सोकरा असली नरुटो के ऊपर पंच मार देती है और असली नरुटो के दो तीन दांत टूट जाते हैं और वो उड़ते हुए चले जाता है। तो तभी यहाँ पर सोकरा बोलती है नरुटो यहाँ से आया था तो वहाँ से कैसे गया। तो यहाँ पर जो शिजुने रहती है अयामे रहती है वो अपना जो पार्सल रहती है वो लेकर जाने वाली रहती है। तभी यहाँ पर नरुटो अपनी क्रैश लैंडिंग करता है और तभी यहाँ पर अयामे के डैड रहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पर अयामे बोलती है वो नरुटो था, वो मुझसे लगने वाला था पर वो गिरा नहीं। तो यहाँ पर जो अंकल रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरी अयामे को छोड़ देने वाले थे नरुटो। तो अयामे बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ, वो बस गिरने ही वाला था। तो नरुटो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर वो जो अंकल रहते वो बोलते हैं कि तुम्हें ये डिलीवरी लेके जानी होगी अयामे के बदली, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए रोमन नहीं दूंगा। तो नरुटो यहाँ पर जो अयामे की डिलीवरी रहती है वो लेकर जा रहा होता है। तो तभी यहाँ पर जो नकली हिनाता रहती है वो उसे कीबा पकड़ लेता है और वो डर के खड़े रहती है। तो कीबा यहाँ पर जो ट्रेजर अंडर रहता है उसको भी पकड़ लेता है, वो बोलता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो तभी यहाँ पर नरुटो जा रहा होता है और अचानक से उसे एक दुकान वाला पकड़ लेता है और वो बोलता है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मेरी दुकान का बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है, उसका हर्जाना भरो उसके बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो यहाँ पर वो जो नकली नरुटो रहता है ना वो सभी दुकान वाले लोग का ना नुकसान कर रहा होता है और वो सभी असली वाले नरुटो को पैसा भरना पड़ता है। और यहाँ पर जो नकली नरुटो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है और असली नरुटो को वो सभी लोग का पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करते करते असली नरुटो की पूरी जेब ढीली हो जाती है और वो बोलते हैं कि मैं नकली नरुटो को ज़रा भी नहीं छोड़ूंगा। और लास्ट में उसका एक रुपया बचता है और यहाँ पर वो रो रहा होता है। वो बोलते हैं जो नकली नरुटो है उसने तो मेरी इमेज और बाकी सब बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, मैं उसे ज़रा भी नहीं छोड़ूंगा। और वो बोलते हैं ज़रा एक मिनट रुको, और वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है और वो अपने घर की तरफ भागते हुए जाता है। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जो रोमन रहते हैं नकली नरुटो उन सभी नकली नरुटो नूडल्स को खा लेता है। तो नरुटो बोलता है ये सब मेरे फेवरेट नूडल्स थे, उसने मेरे सब नूडल्स खा लिया। और यहाँ पर नरुटो अपने नाइन टेल फॉक्स के रूप में आ जाता है और वो बोलते हैं कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसने मेरे नूडल्स खा लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर वो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु की मदद से नरुटो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नरुटो, मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर नरुटो नकली नरुटो को पकड़ने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर नकली नरुटो रहता है वो अपना ब्रेड खा रहा होता है। तभी यहाँ पर नकली नरुटो को असली नरुटो देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो तभी यहाँ पर वो लोग मिक्स हो जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर असली नरुटो आता है और वो बोलता है हे तुम लोग एक साथ क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग अपने आप को ध्यान से देखो, जो नकली नरुटो है उसने ब्रीफकेस नहीं पहना है। तो वो लोग एक दूसरे को देखते हैं कि कौन ब्रीफकेस नहीं पहना है और वो देखते हैं कि यहाँ पर जो नरुटो रहता है उसने ब्रीफकेस नहीं पहना है। और वो नकली नरुटो को इतना मारते हैं और वो तीनों को एक साथ पकड़ लेते हैं वो चारों को, और वो बोलते हैं कि चलो हम इसे लेडी सुनाटे के पास लेके जाएंगे। और तभी यहाँ पर नरुटो अपना ब्रीफकेस रख देता है। तभी हिनाता भागते हुए आती है असली वाली और वो बोलती है नरुटो तुमने कर दिखाया। तो तभी यहाँ पर नरुटो बोलते हैं हाँ हिनाता हमने कर दिखाया, तुम इधर आओ। तो हिनाता देखती है कि नरुटो ने ब्रीफकेस नहीं पहना है यानी वो नकली नरुटो है, और वो असली नरुटो के ऊपर हमला कर देती है अपना जो जेंटल फिस्ट है उसकी मदद से।
से। तो यहाँ पर कीबा बोलता है नारुतो की तो किस्मत ही ख़राब है। और यहाँ पर जो लेडी जुनाटे के पास वो लोग आ जाते हैं, तो लेडी जुनाटे बोलती है ये एक सीक्रेट मिशन था, यहाँ पर वो जो लोग थे उन्हें मैंने ही मिशन दी थी और मैंने मुझे देखना था कि तुम लोग ये मिशन कर पाते हो कि नहीं। तो यहाँ पर जो नारुतो और बाकी सब रहते हैं वो बोलते हैं कि इन लोगों तो मेरी जान के ऊपर आ गए थे, वो लोग तो हमें मारने वाले थे। तो यहाँ पर जो ट्रेजर हंटर रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, ये सब लेडी जुनाटे ने मुझे मिशन दिया था, उन्होंने मुझे दूसरे विलेज से हायर किया था, पर इसीलिए मैंने करना था। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है आप ही बताइए कि ये लोग पास हुए हैं कि नहीं, अगर ये लोग फेल हो गए तो ये लोग वापस से स्कूल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि ये लोग अच्छे नंबर से। तो तभी यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि हम लोग ने ग्रैंड मा ब्रीफ केस भी लेके आ गया तो हमें मिशन तो पास होना ही था। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम लोग ब्रीफ केस रख दो, तुम लोग मिशन पे पूरे अच्छी तरीके से पास हो गए हो। और यहाँ पर असली नारुतो नकली नारुतो के हाथ मिला रहा होता है। तो तभी यहाँ पर जो ग्रैंड मा जुनाटे रहती है वो खोलती, लेडी जुनाटे वो ब्रीफ केस खोलती है, उसके अंदर वो उन लोगों का बिल रहता है जो उन लोगों ने खर्चा किया रहता है। और यहाँ पर शिजुने बोलती है कि एक और एक बिल आ गया लेडी जुनाटे आपके लिए। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।